moral and political attitude. As I said, belief और attitude में difference ये होता है कि attitude is more comprehensive, उसमें B, A component भी, affective component भी होता है और behavioral component भी होता है. Same about moral attitude. Moral belief और moral attitude में भी यही फर्क है कि see, your attitude can be about morality and can not be about morality. For example, my attitude towards snake, उसमें कोई morality नहीं है. Snake is poisonous, I fear snake and snake has bitten me. इसमें से एक भी चीज़ है morality के related नहीं है. Moral values का यहाँ पे mention ही नहीं है. So that attitude, my attitude towards snake, उसमें कोई morality नहीं थी. But if I think about, for example, democracy, तो इसमें मोरालिटी आएगी. कॉग्निटिव कंपोनेंट में मेरी बिलीफ ये होगी कि मोरालिटी, डेमोक्रेसी गुड है या बेड है. तो यहाँ पे मोरालिटी आ गई है, मोरल वैल्यूज आ गई है. सो दैट्स आवर मोरल एटीट्यूड. डेमोक्रेसी के प्रति हमारी बिलीफ हो और मोरल एटीट्यूड हो. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट हमारी बिलीफ है डेमोक्रेसी अच्छी है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम वोट करने ना भी जाए. ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई डिक्टेटर आए और हम अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर हो तो हम उसको टॉलरेट कर लें, क्योंकि दैट्स मोर सुपरफिशियल, बिलीफ इज मोर सुपरफिशियल. लेकिन जब डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होता है तब हमारा बिहेवियर कैसा होता है कि वो अफेक्टिव और बिहेवियर सभी कंपोनेंट उसमें इंटीग्रेटेड होते हैं. तो हम अपने घर में भी बोसिज्म नहीं रखेंगे, लाइक ऑल पी वी विल ट्रीट इवन किड्स और एवरी वन इन एज एन इक्वल स्टेटस. सिमिलरली हमारा वर्किंग प्लेस में भी ऐसा होगा कि हमारे डिसीजन ऐसा होगा कि कंसल्टेटिव हो, सभी को पूछ के डिसीजन लिया जाए. सो वर्किंग प्लेस में भी ऐसा होगा, जब इलेक्शन आएंगे तो आप जाके वहाँ पे वोट भी करोगे. सो दैट्स डेमोक्रेटिक एटीट्यूड. व्हेन देयर इज एन एटीट्यूड टावर्ड्स डेमोक्रेसी, दैट्स देन द डेमोक्रेसी बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ. आपके सभी एस्पेक्ट में वो डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट होगी. सो दैट्स व्हाई वी शुड फोकस मोर ऑन मोरल एटीट्यूड देन ऑन मोरल बिलीफ्स. सिर्फ बिलीफ दे देने से काम नहीं हो जाता हमारा. सिमिलरली, अगर टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स को सिर्फ बिलीफ पढ़ा दी जाए तो उससे काम नहीं होगा. वो प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उसका एक एटीट्यूड बिल्ड होना चाहिए. इसीलिए एजुकेशन को जो है हम एक एज ए होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म की तरह ट्रीट करना चाहिए. मॉरल एटीट्यूड हो तो उसको चेंज करना भी, बिकॉज इट्स डीपर कन्विक्शन, उसको चेंज करना भी उतना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो चेंज नहीं होगा. उसके एग्जांपल्स वेजिटेरियनिज्म, नॉन वायलेंस, रिलीजियस एटीट्यूड, ये सब लाइक दिस आर मॉरल एटीट्यूड. रिलीजियस, बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग कॉम्युनल आर डिफरेंट थिंग्स. व्हेन यू से यू आर रिलीजियस, वॉट यू मीन इज दैट आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी कुछ बिलीफ्स है, यू बिलीव इन सम सुपर नेचुरल एंटिटीज, वो बिलीफ के कंसिस्टेंट आप अपना काम करोगे, दैट्स योर रिलीजियस बिलीफ. आप कोई एक स्क्रिप्चर में बिलीव करते हो, सो दैट स्क्रिप्चर और जो धर्मशास्त्र है वो आपके मॉरल बिहेवियर में आपको गाइड करेगा, दैट्स योर रिलीजियस एटीट्यूड. बट कॉम्युनल एटीट्यूड इज डिफरेंट. कॉम्युनल एटीट्यूड में क्या होता है, इट्स अगेन एज आई सेड, वो लाल जूता वाला बंदा और ब्लू जूते वाला, दो ग्रुप जो थे, ग्रुप ए ग्रुप बी, ऐसे होता है. इसमें लोग ऐसा मानते हैं कि जो रिलीजन के अलावा भी जो सेल्फ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल हिंदू और मुसलमान, राइट, दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि एक जो ग्रुप है वो एक टेक्स्ट में बिलीव करता है, दूसरा जो ग्रुप है वो दूसरी टेक्स्ट में बिलीव करता है. लेकिन लोग मानेंगे क्या कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अलग है, हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी अलग है, हमारे सभी इंटरेस्ट अलग है. सो दैट्स कम्युनलिज्म. नॉन रिलीजियस इंटरेस्ट भी हमारे कोइंसाइड हो रहे हैं, ऐसा बिलीव करना, दैट इज कम्युनलिज्म. बट रिलीजन, रिलीजियस एटीट्यूड इन इटसेल्फ इज नॉट कम्युनलिज्म. पॉलिटिकल एटीट्यूड, एक स्पेक्ट्रम होता है, रेडिकल, प्रोग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव, रिएक्शनरी. सो यहाँ पे जो मिडल ग्राउंड है, दिस इज स्टेटस क्यो. फॉर एग्जांपल, दिस इज स्टेटस क्यो, दिस वन. स्टेटस क्यो मतलब क्या, अभी जो सोसाइटी में चल रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन है, दैट्स अवर स्टेटस क्यो. अब उस स्टेटस क्यो के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है, हमें उसमें फॉरवर्ड प्रोग्रेस चाहिए या बैकवर्ड जाना है, जो इतिहास में चल रहा था वो हमें रिपीट करना है, या कोई एक नई आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना है. तो दैट्स
अगर आपको पीछे जाना है देन यू आर रिएक्शनरी। रिएक्शनरी टिपिकली कैसे होता है, नेपाल में रिएक्शनरी ने क्या किया कि उन लोगों को हिंदू स्टेट बनाना था फिर से, तो सेम सिमिलरली यहाँ भी होता है हिंदू राष्ट्र और वो सभी बातें चलती रहती है। सो दैट्स रिएक्शनरी एटीट्यूड, पीछे ले जाना है, जैसा 200 साल 50 आईसीस जो कर रहा है उसको भी 1000 साल पहले ले जाना है पूरी दुनिया, दैट्स अ रिएक्शनरी एटीट्यूड। सो ऑल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस especially those who are involved in politics, ये सभी रिएक्शनरी, वी कैन से दे आर रिएक्शनरी। कंजर्वेटिव जो होते हैं वो लाइक मोरलेस अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड होते हैं, उन लोगों को कोई बड़ा चेंज नहीं चाहिए, चाहिए तो भी छोटा चेंज चाहिए। सो कंजर्वेटिव फॉर एग्जाम्पल विल सपोर्ट अवर करंट सोशल सिस्टम, वो लोग मानेंगे नहीं कास्ट तो होनी ही चाहिए ना, वरना सिस्टम तो होने ही चाहिए ना, ऑल्दो डिफरेंस प्रोग्रेस करना है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है और वो सब प्रोग्रेस हमें करना है, लेकिन ऑल दिस थिंग्स शुड बी देयर, सो दैट्स कंजर्वेटिव एटीट्यूड। मॉडरेट में उन लोगों को थोड़ा चेंज चाहिए, दे डोंट वॉन्ट टू गो बिहाइंड स्टेटस क्यू के पीछे उन लोगों को नहीं जाना, उन लोगों को प्रोग्रेस चाहिए लेकिन थोड़ी प्रोग्रेस चाहिए। ये एक्चुअली मॉडरेट और प्रोग्रेसिव है, ये ओवरलैप करती है। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी को मॉडरेट भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी कह सकते हो। गांधी जी वॉन्टेड एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट वर्णा सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट वर्णा सिस्टम में वो बिलीव करते थे। सो उसके मुताबिक चार वर्ना जो है उसमें वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। सो चेंज वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन, बट द ओल्ड थिंग वॉज लेट वर्ना सिस्टम बी देयर। सो ये लोग जो होते हैं वो नई चीजें लेते हैं और पुरानी चीजों के साथ उसको सिंथेसाइज करते हैं। सो इन सम एस्पेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, ही वॉज ऑल्सो मॉडरेट, ही वुड से कि भाई मॉडर्निटी ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स है उसे मॉडर्निटी को अडोप्ट करना चाहिए, लाइक वी शुड लर्न, वेस्ट शुड लर्न मटीरियल स्पिरिचुअलिज्म फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया शुड लर्न टेक्निकल प्रोग्रेस फ्रॉम वेस्ट। सो ये सब ये जो है दैट्स प्रोग्रेसिव। फिर एकेश्वरवाद जो है, सो यू डू नॉट डिनाई रिलीजन, रिलीजन को आप नहीं निकाल रहे हो। वॉट यू से इज के पहले मोनो पॉलीथीइज्म था, उसमें से अब मोनोथीइज्म ले आओ, एक ही भगवान रखो बाकी के सारे निकाल दो। सो दैट्स मॉडरेट एटीट्यूड। प्रोग्रेसिव इज अगेन दैट्स स्लाइटली मोर देन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि दे वॉन्ट चेंज बट द चेंज विल स्टिल बी इवोल्यूशनरी। ऐसा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल नेहरू वॉज प्रोग्रेसिव बट ही डिडंट वॉन्ट कि भाई मार्क्स इसके साथ समझते हैं, रेडिकल और प्रोग्रेसिव का डिफरेंस समझते हैं। रेडिकल में क्या होता है कि उन लोगों को रिवोल्यूशनरी चेंज चाहिए। मार्क्स ने क्या कहा था, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए, तो ओवरनाइट सभी के पास से प्रॉपर्टी ले लो, जो बिजनेसमैन है उस सभी का बिजनेस लिक्विडेट कर दो, गवर्नमेंट ओनरशिप ले ले, और दूसरे दिन होगा क्या कि सभी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास है, बिजनेसमैन सभी जेल में है और सभी वर्कर्स फ्री है। सो दैट्स व्हाट दे वांटेड, इमीडिएट चेंज, सडन चेंज। बट जो प्रोग्रेसिव मेंटालिटी होती है दे बिलीव कि धीरे धीरे चेंज होना चाहिए, अगर सडनली कर दिया तो रिस्क ये होता है कि जो प्रेजेंट सिस्टम है वो पूरी डिसरप्ट हो जाएगी, सब देर विल बी अ टोटल केओस व्हेन द प्रोग्रेसिव चेंज, व्हेन वी विल हैव रेडिकल चेंज। और ये रशिया में और सभी जगह पे हुआ भी था, रिवोल्यूशन जब चल रहा है तब 5 साल 7 साल ऐसे चलेंगे जहां पे पूरा केओस है, वहां पे एनार्की चल रही है, गवर्नमेंट ठीक तरह से नहीं चल रही, एक्सटर्नल इंटरवेंशन आ रही है, फिर चीजें स्टेबिलाइज होती है। सो नेहरू वॉज प्रोग्रेसिव बिकॉज ही बिलीव्ड इन इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, कि स्टेट ओनरशिप होनी चाहिए, स्टेट का रोल बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें हम धीरे धीरे करेंगे, एक साथ नहीं। रेडिकल एज आई सेड दे बिलीव इन रिवोल्यूशनरी चेंज। इंडिया में रेडिकल आइडियोलॉजी कौन सी है, तो मार्क्सिज्म, फिर इवन नक्सलिज्म, दैट्स ऑल्सो रेडिकल बिकॉज उन लोगों को स्टेट ही निकाल देना है, कॉन्स्टिट्यूशन निकाल देना है। वो लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी है वो मिडिल क्लास का राज है, एक्चुअली गरीबों के लिए नहीं है, तो दे वॉन्ट टू ओवरथ्रो डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश देयर कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप। सो दैट्स रेडिकल।
मार्क्सिज्म इज रेडिकल, देन देर आर ऑल्सो अदर रेडिकल ट्रेंड्स इन, इसको लेफ्ट भी कहते हैं ब्रॉडली, एक लेफ्ट और राइट, ये एक्चुअली ये दोनों स्पेक्ट्रम अलग अलग है. यू कैन बी प्रोग्रेसिव एंड राइट विंग, तो ये कॉम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन इन जनरल ये दोनों साथ में पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट. सो रिएक्शनरी एंड पे राइट विंग होगी, रेडिकल एंड पे लेफ्ट विंग होगी. अब ये जो स्पेक्ट्रम है इट्स ऑल रिलेटिव, स्टेटस क्यू के आजू बाजू में रिलेटिव होता है. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में जो कंजर्वेटिव है वो लोग यहां पे प्रोग्रेसिव होंगे. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात कर रहा है, सो ऑलरेडी वहां पे वो फेमिनिस्ट कल्चर है, वुमन पार्टिसिपेशन ज्यादा है, वुमन एम्पावरमेंट ज्यादा है, तो वहां पे वो लोग मानते हैं कि नहीं अभी इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है, लेट्स नॉट मेक एनी वुमन प्रेसिडेंट. सो दैट्स कंजर्वेटिव फॉर देम, वो लोग स्टेटस क्यू को मेंटेन करना चाहते हैं. सेम अबाउट कैपिटलिज्म, वहां पे कैपिटलिज्म 200-300 साल से है, तो वहां की जो रिपब्लिकन पार्टी है दैट्स ब्रॉडली इन फेवर ऑफ कैपिटलिस्ट पॉलिसी, दे आर कंजर्वेटिव देयर. लेकिन यहां पे अगर किसी को कैपिटलिज्म चाहिए तो दैट्स प्रोग्रेसिव, बिकॉज हमारे पास पहले कैपिटलिज्म नहीं था, कैपिटलिज्म इज अ वे फॉरवर्ड. सो ये इंटर कंट्री ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है. सेम सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में सोशल प्रोग्रेसिव और वहां अमेरिका में रिग्रेसिव जो लोग होते हैं रिएक्शनरी, वो भी अमेरिका के रिएक्शनरी भी सऊदी अरेबिया के प्रोग्रेसिव से ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगे. सो वो लोग क्या कहेंगे, चलो वुमन को बुर्का पहने दो लेकिन उसको ड्राइव करने दो, दैट्स प्रोग्रेसिव इन सऊदी अरेबिया. ओवर द टाइम भी ऐसे चेंज होता है, दो कंट्री के बीच में तो ये चेंज होता ही है, लेकिन सेम कंट्री में भी चेंज होता है जैसे ये स्टेटस क्यो मूव होता जाता है. इन जनरल अगर इफ यू आर लिविंग इन मिडल ईस्ट तो होता क्या है कि यू आर गोइंग फॉरवर्ड, स्टेटस क्यो ऐसे ऐसे आगे जाता है, तो आज का प्रोग्रेसिव कल कंजर्वेटिव हो जाएगा. तो इसका एक क्लासिक केस है रोनाल्ड रीगन. रोनाल्ड रीगन जब अपनी यंग एज में था ही इज नोन फॉर मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, राइट. उसने फ्री मार्केट ला दिया अमेरिका में, एनपीएम ला, कई सारे रिफॉर्म कर दिए. सो ही वॉज इन रिपब्लिकन, ही वॉज रिपब्लिक प्रेसिडेंट. सो हुआ क्या कि वो जब अपनी यंग एज में था देन ही वॉज ए सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, तो तब वो रिपब्लिकन था, सॉरी तब वो प्रोग्रेसिव था. क्यों? क्योंकि उसको कीनेशियन मैकेनिज्म, कीनेशियन इकोनॉमी चाहिए थी, वो चाहता था कि गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करे और वो सब, तब उसकी बिलीफ थी. जब वो 90 में आ गया तब जब वो प्रेसिडेंट था तब उसने उसकी सभी पॉलिसी ऐसी है कि भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो, मार्केट फोर्सेस ज्यादा हो. सो उसको पूछा गया कि भाई आप पहले प्रोग्रेसिव थे अब कंजर्वेटिव क्यों हो गए हो, सो ही सेड कि भाई मुझे जो भी रिफॉर्म चाहिए थे वो मुझे रिफॉर्म 1950s में मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए था, नाउ आई एम कंजर्वेटिव. सो ओवर द टाइम ऐसे चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल विधवा पुनर्विवाह, इन 1950s व्हेन ईश्वर चंद्र विद्यासागर डिड दैट, दैट वाज रिवोल्यूशनरी. वो ये यहाँ पे थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज हियर रेडिकल, नाउ इट्स कॉमन, यहाँ पे आता है कंजर्वेटिव लोग है वो भी रीमैरिज में मानते हैं. सो ओवर द टाइम सेम कंट्री में ये स्पेक्ट्रम चेंज होता जाता है. लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट आइडियोलॉजी जो होती है दैट इन जनरल बिलीव्स इन इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ लाइवलीहुड, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ये सभी चीजों में लेफ्ट आइडियोलॉजी बिलीव करती है. मार्क्सिज्म इज अ पार्ट ऑफ लेफ्ट आइडियोलॉजी, और भी कई तरह की लेफ्ट आइडियोलॉजी होती है. राइट आइडियोलॉजी में ऐसा होता है कि इन जनरल दे आर इन फेवर ऑफ फ्रीडम, लाइक फ्री ट्रेड. जो आइडियोलॉजिकल राइट विंग है वो रिलीजियस राइट विंग भी है जो फ्रीडम विडम में नहीं मानते, वो लोग दे आर जस्ट कंजर्वेटिव पीपल. बट आइडियोलॉजिकली कंसिस्टेंट स्टैंड राइट विंग का ये है कि यू सपोर्ट फ्रीडम फॉर ऑल. फ्रीडम फॉर ऑल आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रीडम टू ट्रेड एंड बिजनेस आता है, उसकी वजह से कैपिटलिस्ट क्लास है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होता है.
सो दे एसोसिएट फ्रीडम विथ फ्रीडम टू डू बिजनेस. सो इनइक्वालिटी ज्यादा होती है. वो लोग इनइक्वालिटी को ऐसा जस्टिफाई करते हैं कि दिस इज नेचुरल. इनइक्वालिटी होती है तभी जो लोअर क्लास के लोग हैं उसको मोटिवेशन मिलता है कि वो आगे जाए और प्रोग्रेस करे. सो दैट्स हाउ दे जस्टिफाई इनइक्वालिटी. एंड कोरस्पॉन्डिंगली लेफ्ट आइडियोलॉजी जो होती है दे विल टॉक ऑफ पॉजिटिव राइट्स एंड ग्रुप राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स. सो वो लोग इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात करेंगे. राइट विंग जो है वो पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करेगी. सो दैट्स द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन दिस टू आइडियोलॉजीज. लिबरल आइडियोलॉजी इज सिंपली दोज हु बिलीव इन लिबर्टी. वो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है, लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, दैट वॉज अ लिबरल टेनेट. सो वो लोग स्टेट इंटरवेंशन के भी अपोज 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 करेंगे. स्टेट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए. एक प्राइवेट जियाल्म होता है आपका, जैसे फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ, योर ओन बिलीफ्स, वो वायोलेबल है ही नहीं. उसमें स्टेट अंदर नहीं आ सकता. सो दैट्स लिबरल आइडियोलॉजी. डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, एज आई सेड, कॉम्प्रिहेंसिव एटीट्यूड होता है जिसमें यू सी डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट पॉलिटिकली. पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे डिटरमाइन होता है? यंग पीपल, एज इज वन फैक्टर. यंग पीपल जो होते हैं दे आर मोर रेडिकल. उन लोगों को बदलाव, लाइक दे कीप ऑन ग्रोइंग एंड दे सी चेंजेस अराउंड देम, सो दे आर रेडी फॉर चेंज. उन लोगों को ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो समाज में चेंज कर सके. दैट सिंपली बिकॉज अगर कोई चेंज होता है सो दे विल बी देयर टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दैट चेंज, राइट? अगर कोई यूथ है, अगर कोई गरीब यूथ है, इफ ही इज इन फेवर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो अगर वो जब बड़ा होगा तब तो उसे फायदा होने वाला है. तो यूथ जो होता है, यंग एज जो होती है, दैट इज इन फेवर ऑफ प्रोग्रेस. एग्जैक्ट अपोजिट होता है ओल्ड एज में. ओल्ड एज इज कंजर्वेटिव. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी वो वैल्यू सिस्टम में इन्वेस्ट कर दिया है. अब जब चेंज होगा तो दे हैव टू एडजस्ट विथ न्यू रियलिटी, दैट दे कैन नॉट. उसका कुछ फायदा ही नहीं, मर जाने वाले हैं 10 सालों में, तो चेंज करके क्या करोगे? सो एज इज वन फैक्टर. अनदर इज इकोनॉमिक स्टेटस. इफ यू आर रिच, इफ यू हैव प्रॉपर्टी, देन यू विल बिलीव इन कैपिटलिज्म, बिकॉज कैपिटलिज्म सपोर्ट्स लो टैक्सेशन, फ्रीडम टू डू ट्रेड एंड ऑल दीज पॉलिसीज. सो आपका इकोनॉमिक स्टेटस, यू आर रिच, यू सपोर्ट कैपिटलिज्म. इफ यू आर पुअर, यू विल सपोर्ट सोशलिज्म, बिकॉज किसी और के पास से इनकम लेके आपको देनी है. सो यू विल बी इन फेवर ऑफ दैट. तो इकोनॉमिक स्टेटस है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ वॉट विल बी योर पोलिटिकल बिलीफ. कॉन्सेप्शन अबाउट ह्यूमन नेचर. जब पोलिटिकल आइडियोलॉजी जब आई थी, लॉक और होप्स, रसो, ये सब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जब आई थी, तब वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? अगर मैथमेटिक्स में जैसे एक्जियोम होता है, तो इसमें इन लोगों का एक्जियोम क्या था कि ह्यूमन नेचर कैसा है, उसके ऊपर उन लोगों ने पूरी एक पॉलिटिकल सिस्टम डिराइव कर दी थी. फॉर एग्जाम्पल, होप्स सेड ए पर्सन इज एविल, फंडामेंटली ही इज एन एविल पर्सन, वो अच्छा बंदा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? कि उसको सुधारने के लिए एक ताकतवर स्टेट चाहिए जो क्या करेगा, उसको डिसिप्लिन करेगा, उसको गुड वैल्यू सिखाएगा. सो ही वॉज इन फेवर ऑफ अ पावरफुल स्टेट. क्यों? क्योंकि उसका ह्यूमन नेचर का कंसेप्शन ऐसा था. लोक ऐसा मानता था कि भाई मैन इज बेसिकली ए गुड पर्सन, उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट पता है, ही इज रेशनल, ही कैन मेक कोल्ड कैलकुलेशन व्हाट इज गुड फॉर हिम एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर हिम. सो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा कि स्टेट को वीक रखो, मार्केट रखो, फ्री बिज, फ्री एंटरप्राइज रखो. सो दैट वॉज लोक्स आइडियोलॉजी, फ्रीडम दे दो लोगों को. बिकॉज हिज कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर वॉज दैट ए मैन इज गुड एंड रेशनल. सो दैट वॉज अनदर वे. सो ऐसे ही अगर हम मानते हैं कि भाई लोग जो है उसमें सेल्फलेसनेस की भावना होती है, अल्ट्रुइज्म होता है, सो वी विल सपोर्ट ए कम्युनिस्ट सिस्टम और ए कलेक्टिविस्ट सिस्टम, जहाँ पे लोग एक दूसरे, एक एक बंदे के पास से एफर्ट लिया जाए और उसका एफर्ट दूसरे बंदे के लिए यूज किया जाए. सो वी विल सपोर्ट दैट सिस्टम. सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट्स अवर कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इज. डिस्पोजिशन,
नेचुरल डिस्पोजिशन ही होता है कि कई लोगों को ऑर्डर पसंद नहीं है, मतलब केओस ही पसंद है उन लोगों को सब। अरे असहमत, मुझे भी ऐसा ही है, आई डोंट लाइक ऑर्डर। सो डिसऑर्डर है उन लोगों को पसंद होता है, चीजें वो सब स्केटर्ड हो तो वो सब ज्यादा पसंद है, ऑर्डर नहीं पसंद है, डिसिप्लिन नहीं पसंद है। सो ऐसे लोग जो होते हैं दे विल बी नेचुरली इन फेवर ऑफ लिबर्टी, बिकॉज देन देर इज अ स्कोप ऑफ ह्यूमन नेचर। उसमें आप बाहर से उसको कुछ नहीं बोल रहे, आप ये करो, सो यू कैन नॉट इम्पोज डिसिप्लिन ऑन हिम, ही इज फ्री। सो कई लोग पैदाइशी मिलिट्री में होते हैं, सो दे विल सपोर्ट ए पावरफुल स्टेट कि भाई लोगों को डिसिप्लिन होना चाहिए, सब वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। सो ये डिस्पोजिशन जो हमारा होता है, लाइक इट्स डिस्प्लेड और एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्किटेक्ट था ऑस्कर निमेयर, ब्राजील का, उसने बनाया था। उसने जितनी भी बिल्डिंग डिजाइन की ना, उसमें से एक भी बिल्डिंग में स्ट्रेट लाइन नहीं दी है उसने, सभी जगह पे कर्वेचर ही होंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज ए मार्क ऑफ डिसिप्लिन एंड ही हेटेड डिसिप्लिन। नेचर में कभी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, वहां पे हमेशा कर्वेचर और या मतलब अनडिफाइंड और इनडिस्क्राइबेबल्स के शेप ही मिलते हैं, कोई जियोमेट्रिकली वेल डिफाइंड शेप नहीं मिलता। सो ही वॉज अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन्स। जापान में अगर आप देखो, इट्स ए वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, वहां पे आप क्या देखोगे? स्ट्रेट बिल्डिंग्स। वहां पे कोई ऐसा कोई इनोवेशन नहीं दिखेगा कि भाई ओ दिस इज एन आर्किटेक्चरली मार्वेल। इट्स अ डिसिप्लिन सोसाइटी, उसके आर्किटेक्चर में भी वही दिखेगा, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में भी वही दिखेगा, एंड इट्स अ कंसिस्टेंट थिंग। सो योर डिस्पोजिशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सो दिस कैन एक्सप्लेन वाई इंडिया में सोशलिज्म इतना क्यों चला, क्योंकि 95% लोगों का गरीब हो तो दैट्स अ नेचुरल चॉइस। इनफैक्ट कोई भी पोस्ट कॉलोनियल कंट्री में सोशलिज्म ज्यादा रहा था, उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहा है, अगर इट्स जेन्यूनली डेमोक्रेसी। अमेरिका ने अगर वहां पे डाल दिया हो डिक्टेटरशिप, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर जेन्यून डेमोक्रेसी रही हो तो वहां पे हमेशा ऐसा रहेगा कि इट विल बी बेंट टावर्ड सोशलिज्म, क्योंकि लोग ही गरीब होते हैं तो उन लोगों को पैसा चाहिए।